बीडीसी चेयरमैन की कार खाई में गिरने से उन्हीं के परिवार के दो युवकों की जान गई। घायल हुए तीसरे युवक को इलाज के लिए सगड़ा हॉस्पिटल में किया गया दाखिल। सप्ताह भर पहले उपमंडल सगड़ा के खेगवा नामक स्थान पर हुए वाहन हादसे में जा चुकी है तीन लोगों की जान। 23 वर्षीय कृष्ण व 22 साल के पंकज की दर्दनाक मौत से क्षेत्र में शोक की लहर। उपमंडल सगड़ा के अंतर्गत आने वाले गाँव आरट के समीप शनिवार रात एक कार एक्सीडेंट में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बीडीसी चेयरमैन संगड़ा मेलाराम शर्मा की कार एचपी 03D3030 शिवपुर से आरट आते हुए अचानक गहरी खाई में जा गिरी और स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें मौजूद दो युवाओं की घटनास्थल पर ही जान गई। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे में बीडीसी चेयरमैन के 23 वर्षीय भतीजे कृष्ण और 22 वर्षीय पंकज को जब तक लोगों द्वारा खाई से निकाला गया उनकी सांसें थम चुकी थी। हादसे में घायल तीसरा युवक संगड़ा का बताया जा रहा है जिसे 108 एम्बुलेंस से संगड़ा हॉस्पिटल लाया गया। एक्सीडेंट में महज 22 व 23 साल के युवाओं की जान जाने से इलाके में शोक की लहर है। गौरतलब है कि गत 7 जनवरी को संगड़ा रेणुकाजी नाहन रोड पर एक अन्य पिकअप हादसे में खेगवा नामक स्थान पर उंगर कांडो गांव के तीन लोगों की जान जा चुकी है और सर्दियों में क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में बर्फ पड़ने और अन्य सड़कों पर भी पाला व कोहरा जमने से वाहन हादसों का ज्यादा अंदेशा रहता है। हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री का विधानसभा हल्का रहा उपमंडल संगड़ा व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र अब तक एनएच दूर स्टेट हाईवे से भी नहीं जुड़ सका है और इलाके की तांग व खस्ता हाल सड़कों पर जिला सिरमौर और प्रदेश के अन्य हिस्सों की वजह वाहन हादसों में ज्यादा लोगों की जाने जाती है। इसके अलावा पिछले करीब 3 माह में पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव टिकरी व सैंस घाट में भी रोड एक्सीडेंट में 4 लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद संबंधित विभाग प्रशासन व पुलिस द्वारा वाहन हादसे रोकने के लिए संतोषजनक उपाय किया जाना बाकी है। गत वर्ष तक यहाँ एमबीएफ की अवहेलना करने वालों पर सख्ती करने वाले एनजीओ स्तर के पुलिस अधिकारियों के मौजूद रहने के दौरान एक्सीडेंट पिछले 3 माह के मुकाबले काफी कम हो गए थे। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हादसों की वजह अलग अलग बताई जाती है। डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार ने बताया कि पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा के आरट के समीप वाहन हादसे की सूचना उन्हें मिली है और पुलिस टीम घटनास्थल के बाद हॉस्पिटल भी पहुंच चुकी है। संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार मृतकों के पोस्टमार्टम कल सुबह ही हो पाएंगे।